सभी पार्षदगण, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय से मिले और संभागीय आयुक्त महोदय से मिलकर के हमने जो विगत माह उनको एक ज्ञापन पत्र सौंपा था कि जो पीडब्ल्यूडी का एक बंगलो है सर्किट हाउस के नीचे आवास, प्रथम श्रेणी आवास का, उस आवास के अंदर ये आवास उनको 2015 के अंदर तत्कालीन जो आयुक्त थे नगर निगम उनको आवंटित किया गया था। और बाद में हमें समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि उस आवास के अंदर पीडब्ल्यूडी का वो सरकारी संपत्ति है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने वहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, नगर निगम द्वारा वहाँ पर एक पैसा नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद उस सरकारी आवास में लाखों रुपए का मूल परिवर्तन जो उस आवास का था उसको परिवर्तित किया गया। वहाँ पर सुख सुविधा के सारे जो आयाम है वहाँ स्थापित किए गए, वहाँ स्विमिंग पूल बनाया गया, वहाँ फर्नीचर पूरा बदल दिया गया, वहाँ अनेक तरह की सुविधाएँ वहाँ पर लगा दी गई। लेकिन समाचार पत्र से मालूम हुआ कि ऐसा किसी भी विभाग द्वारा पैसा खर्च नहीं किया गया। तो हमने माननीय समाज आयुक्त महोदय को समझ विगत माह ज्ञापन सौंपा था और उनसे मांग की थी कि आखिर सरकारी संपत्ति के मूल स्वरूप को जिसने भी परिवर्तित किया है उसके खिलाफ जांच की जाए और जांच आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही हमने उस समय पत्र पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज साहब को भी दिया था। अभी 3 मई को हमको समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज साहब ने माननीय संभागीय आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस संदर्भ में आज हम डीसी साहब से मिले और रंगवान जी से भी बात हुई और माननीय संभागीय आयुक्त ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि उनके विभाग द्वारा 2015 के बाद एक नए पैसे की कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई। साथ ही नगर निगम से हमने पूर्व के अंदर स्पष्ट कर लिया था, वहाँ पर भी इस बात की स्वीकृति थी कि हमने भी एक पैसा खर्च नहीं किया। तो आज हम डीसी साहब से मिले कि जब ये रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि उसमें कोई भी विभाग द्वारा एक पैसे की वित्तीय स्वीकृति न तो दी गई और न लगाया गया, तो आखिर उस सरकारी आवास का जो मूल स्वरूप परिवर्तन हुआ उसके लिए दोषी कौन, और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यदि वो कोई लोक सेवक के प्रभाव अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यदि उसने इस प्रकार का कोई कृत्य किया तो वो निश्चित रूप से लोक सेवक पालना नियम की अवहेलना उसने की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि भ्रष्टाचार का मामला जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की ACD के अंदर कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग हमने आज इस साथ